बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उनके टाइप्स देखने के बाद अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड्स ही कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, और रिजिड सॉलिड तो नेग्लिजिबल, उनकी कंप्रेस मतलब वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते ऑलमोस्ट, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, जिसका बल्क मॉडुलस कम है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। तो कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा 1/ बल्क मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML-1 T-2। तो कंप्रेसिबिलिटी का आ गया M-1 L-1 T-2। तो यहां से हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये हमारी 25वीं डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। नोट करेंगे बच्चों आप। अगला डायमेंशन फॉर्मूला देखने जा रहे हैं बच्चों हम स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यह है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट तो देखो बच्चों, अगर एक वॉल है उससे मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया, एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास एम है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और मैंने इस ब्लॉक को खींचा आगे तक। मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को आगे तक खींचा और उसके बाद मैंने एग्जिस्टेंस मान लो खींचा ब्लॉक को उसकी जगह से, और उसके बाद मैंने ब्लॉक को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो आपको पता है स्प्रिंग वापस ब्लॉक को वापस लेके जाता है। स्प्रिंग को मैंने खींच के उसकी ओरिजिनल शेप को डिफॉर्म किया था, तो स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो वो एक फोर्स लगाता है अपनी शेप को रीगेन करने के लिए, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग इसलिए क्योंकि अपनी शेप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपने कितना खींचा है। ज्यादा तेज खींचोगे ज्यादा तेजी से वापस जाएगा, कम खींचोगे कम तेजी से वापस जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं आर एफ लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन एक्स, आपने कितना खींचा है स्प्रिंग को, या आपने जितना कंप्रेस किया। कंप्रेस करोगे तो उल्टा जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट आएगा के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और यहां पर नेगेटिव साइन ये बताता है कि आप जिधर को खींचोगे, एक्स जिधर को होगा रिस्टोरिंग फोर्स उससे ऑपोजिट होगा, राइट। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा। मीन्स आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला देखें अगर, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। कंफ्यूज ना हो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, के नहीं, केल्विन नहीं है, राइट। रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा ML T-2 इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्स की जगह एल। तो यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास MT-2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों MT-2। नोट करेंगे आप। अगला डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे बच्चों हम टेंशन का। टेंशन टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एक धागे में जो स्ट्रेचिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स डेवलप होता है, हम उसे बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन एक तरह का फोर्स है। मान लो कि एक पुली है, उसे एक ब्लॉक अटैच्ड है, एक और ब्लॉक अटैच है। अब अगर ये धागा नहीं होता तो ये ब्लॉक मान लो नीचे चला जाता, मान लो ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता, धागा उसे फ्री फॉल, उसके फ्री फॉल को रोक रहा है, धागा उसे नीचे नहीं गिरने दे रहा। तो धागा एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा उस पर,
जिससे की वजह से उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर नहीं हो रहा होगा, कुछ कम हो रहा होगा। फिर से बताता हूँ, 2 किलो के ब्लॉक को अगर आप ये धागा काट देते हो तो सीधे नीचे गिर जाएगा, बट धागा बंधे होने की वजह से 2 किलो का ब्लॉक थोड़ा धीरे से नीचे आएगा। इसका मतलब ये धागा कुछ फोर्स लगा रहा होगा जो उसके एक्सेलरेशन, उसके फ्री फॉल को स्लो कर रहा होगा, उसको रोक रहा होगा। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 किलो का ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ये धागा नहीं होता तो ये 1 kg का ब्लॉक नीचे गिर जाता, यानी ये धागा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। धागा जो फोर्स लगाता है उसे हम टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो फोर्स का होता है, विच इज MLT-2। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सरफेस टेंशन। टेंशन के बाद हम टॉपिक करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। बच्चों 11th क्लास में फ्लूइड्स के अंदर ये टॉपिक आएगा हमारा सरफेस टेंशन, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट फिलहाल के लिए सरफेस टेंशन जो है वो हमारे लिए बस एक छोटा सा टॉपिक है, विच इज फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। आप पढ़ोगे कि ये सरफेस टेंशन लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। आपको पता है वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप स्फेरिकल होने के पीछे रीजन है सरफेस टेंशन। आप फ्लूइड्स चैप्टर में जब आओगे तब आप उसको अपने आप पढ़ोगे कि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है। फोर्स होता है MLT-2 डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज MT-2। डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का आ गया MT-2। राइट बच्चों, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। MLT-2 और L कैंसिल करके आ गया हमारा MT-2। राइट, नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बच्चों हम एंगल। एंगल जो है वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। मैं प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं 2 dimension में। तो जो भी एंगल यहां पर बनता है थीटा, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ जो भी है, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क की लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल, क्योंकि लेंथ है इसलिए एल होगा, और रेडियस को भी तो आप एल में ही मेजर करोगे लेंथ। M0, L0, T0। एंगल इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखना, एंगल हमेशा और हमेशा डायमेंशनलेस होगा। चाहे वो साइन के अंदर एंगल लिखाओ, चाहे वो कॉस के अंदर एंगल लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा। राइट, उसके बाद देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, आपको पता है जैसे कि ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, एंगल थीटा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर को लेंथ बोलते हैं, परपेंडिकुलर को आप मीटर में ही नापोगे, और हाइपोटेन्यूज भी एक तरह की लेंथ है, वो भी मीटर में आएगी। तो साइन थीटा इज डायमेंशनलेस। इन फैक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस होते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा ऑल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। नोट करेंगे बच्चों आप।
बच्चों अभी 30 फिजिकल क्वांटिटी करने के बाद और थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले रह गए हैं। अगला है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब भी ग्रेडियंट हो जाता है तो वो चीज लेंथ से डिवाइड हो जाएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। कभी भी ग्रेडियंट बोलेंगे तो डिवाइडेड बाय लेंथ करना है आपको। तो ठीक है, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, तो ये आ गया आपका टी माइनस वन। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया टी माइनस वन। ऐसे ही अगर आपसे बोले प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो होगा प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला था, आप चेक कर लेंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल। ये आ जाएगा आपका एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट का। ये वाला था वेलोसिटी ग्रेडियंट का, राइट? अब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोई लिक्विड कितना चिपचिपा है, कितना गाढ़ा है, वो हमें पता लगता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी से। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को हम दो तरह से निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। पहला देखते हैं जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। मान लो ये लिक्विड की लेयर्स हैं, एक लेयर मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया, आप जो मर्जी शेप बना लें, लिक्विड लेयर है। हर एक लिक्विड की लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करती है, ये एक तरह का लिक्विड फ्रिक्शन कहलाता है। इस वाली लेयर की वेलोसिटी v मान लो, ऊपर वाली लेयर्स थोड़ी फास्ट होती हैं, तो v में कुछ डेल्टा v, स्मॉल वैल्यू ऑफ v ऐड कर लो, और इस केस में स्मॉल वैल्यू ऑफ v सबट्रैक्ट कर लो। दो लेयर्स के बीच की दूरी को डेल्टा एक्स बोल देते हैं, डेल्टा एक्स। तो हर लेयर, हर लिक्विड की लेयर, ये लिक्विड लेयर्स हैं, हर लिक्विड की लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करती है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, कितने एरिया में फैला हुआ है लिक्विड, और एक लेयर से दूसरी लेयर जाने में वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय दोनों लेयर्स के बीच की दूरी कितनी है। तो ये चीज तो हम समझ चुके हैं, इसी को दुनिया वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलती है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी। एक लेयर से दूसरी लेयर जाने में कितना वेलोसिटी में बदलाव आया और दो लेयर्स के बीच की दूरी कितनी है। तो फोर्स प्रोपोर्शन होता है एरिया के, और ये फोर्स, वो कौन सा फोर्स, ये वो फोर्स है जिससे एक लिक्विड की लेयर दूसरी लेयर के मोशन को रोक रही है, स्लो कर रही है, अपोज कर रही है, लिक्विड फ्रिक्शन, राइट, काइंड ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन। अब यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब दिक्कत की बात यह है कि ईटा सिंबल को मैंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी यूज किया है और ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी यूज किया है। अब कन्वेंशनली यही यूज किया हुआ है इसलिए मैंने यूज करा दोबारा, लेकिन वो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मेंशन कर देंगे कि यह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ऐसा नहीं आएगा कि ईटा बना के छोड़ दिया, अब आपको खुद बताना है कि वो क्या है, राइट? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये फोर्स लिक्विड की लेयर्स के मोशन को अपोज करता होगा, एक लेयर के मोशन को अपोज कर रहा होगा दूसरी लेयर, राइट? फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दो लेयर्स के बीच की दूरी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ईटा का नहीं पता, एरिया का एल स्क्वायर, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी एक ही बात है, x का l। अब यहां पर कुछ कैंसिल करते हैं, l से l उड़ा देते हैं, और अब क्या आ गया, ईटा आ गया, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय l स्क्वायर और t माइनस वन। तो यहां से ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन।
दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान रखेंगे ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है, ये है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ये वो चीज़ है जो डिसाइड करता है कोई लिक्विड कितना गाढ़ा या कितना चिपचिपा होगा, लाइक हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। नोट करेंगे बच्चों। अब कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों हम हीट से रिलेटेड। तो हमारा 34th नंबर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट करता हूं। हिंदी में बोले तो 1 किलो की बॉडी या 1 ग्राम की बॉडी को कितनी हीट दी जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट मास सब्सटेंस को कितनी हीट सप्लाई करी जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखी जाए तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मैंने डेल्टा टी ना लिख के डेल्टा थीटा लिख दिया सो दैट आप टेम्परेचर और टाइम में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो दिस इज मास ऑफ द बॉडी, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा थीटा इज एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब आप यह बात जानते हैं कि हीट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2, मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का S लिख दिया मैंने और चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन, M से M उड़ा देते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा L2T-2 डिवाइडेड बाई K, जो कि आएगा M नहीं है तो M की पार 0 लिख दो, L2T-2K-1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट है जो 1 किलो की बॉडी को दी जाती है तो 1 किलो की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला M0L2T-2K-1 होता है बच्चों, नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल C से डिनोट कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 किलो की बॉडी होनी चाहिए थी, 1 किलो की बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसे जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाती थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या होगा, कितने भी किलो की बॉडी हो उसे कितनी हीट दी जाए कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो दैट वॉज हीट कैपेसिटी। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. फॉर्मूला होता है इसका, हीट एनर्जी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. हीट एनर्जी होता है ML2T-2, हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन. तो ये आ गया ML2T-2K-1. ये हो गया बच्चों हीट कैपेसिटी. नोट करेंगे बेटा.